सब्सक्राइब करें किचन विद रियाना को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद रियाना में आपका इस्तकबाल है। आइए आज हम आपको मक्की की रोटी बनाना बताते हैं, जिसके लिए देखिए हमने 2 कप आटा लिया है। ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। और इसमें 1/4 टीस्पून डालें हम नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको देखिए हमने ये पानी हमने गुनगुना कर लिया था, इसको गुनगुने पानी से हमें गूंदेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको सारे आटे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल के 10 से 15 मिनट के लिए फूलने के लिए रहने दीजिए। ये देखिए इसको इस तरीके से हमने इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया है, और इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, आइए अब हम इसको आटे को मल लेते हैं। ये अच्छे से फूल चुका है। इस तरीके से आप हथेली की सहायता से आप इसको अच्छे से मल लीजिए। देखिए आटा हमारा कितना अच्छे से हो चुका है। ये देखें, अब इसकी हमें लोइयां बना लेनी है। जितनी भी बड़ी आपको रोटी बनानी है उस हिसाब से आप इसकी लोइयां बना लीजिए। हमने देखिए इतने आटे में 6 लोइयां तैयार की हैं। और ये हमने प्लास्टिक शीट ली है, और इसको हमने बिछा लिया है। इस पर हल्का सा पानी लगाया है, और इस पर इस तरीके से हल्का सा पानी का हाथ लगा के हमें रोटी को बेल लिया है। ये देखिए, और तवे पर हमने हल्का सा ऑयल लगाया ताकि रोटी हमारी चिपके नहीं। और इस पर हम ये डाल देंगे, और इसको अच्छे से ये देखिए दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हमें इसको पलट पलट कर सेक लेना है। ये देखिए इस तरीके से आप, ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी रोटी सेकने लगी है। ये देखिए अब इस तरह दूसरी तरीके से ये कि आप इसमें अगर खुश्की लगाकर बेलन से बेलना चाहें तो उसे भी आप बेल सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमने तैयार कर ली है। इससे क्या होता है, रोटी आसानी से अपनी मनपसंद की मोटी ये पतली आप बेल सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा पतली रोटी बेली हमारी। ये देखिए इस तरीके से को भी हम पलट पलट कर दोनों तरफ से सेक लेंगे। इस पे बटर या घी जो आप लगाना चाहें उस पर आप लगा सकते हैं। इस तरीके से ये मक्का की रोटी आप बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, और बनाने में बहुत ईजी है। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल किचन विद रियाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। शब्बा खैर।